वेलकम बैक टू अनदर रेस्क्यू वीडियो गाइस। इस वीडियो में आप लोग एक बहुत ही रेयर अनदेखी घटना देखने वाले हो। इस वीडियो का प्रॉपर वीडियोग्राफी नहीं हुआ क्योंकि ना मेरे पास कैमरामैन था ना मेरे कैमरा में चार्ज था, लेकिन जितना भी पॉसिबल हो सका मैं किया। आप लोगों में से बहुत जन ऐसे हैं जो कि ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा होंगे, क्योंकि मैं तो नहीं देखा था। ऐसे एक इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा एक दूसरे इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा को खाने की कोशिश कर रहा है, और गाइज ऐसा सीन बहुत ही रेयर है, बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ऐसा जनरली किंग कोबरा स्नेक करता है, अपने स्पेसिस को खाता है और बाकी दूसरा बहुत सारा स्नेक्स को खाता है। ये सारा चीज़ मेटिंग के दौरान होता है क्योंकि उस टाइम उन लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई रहता है, वो लोग भूखा रहते हैं, इस दौरान ये सब चीज़ होता है। लेकिन इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा के सीन में मुझे जितना पता है, मैं बहुत ही कम सुना हूँ ऐसा केस। इस केस में क्या होता है, जनरली जो एक बिगर साइज का स्पेक्टिकल कोबरा रहता है वो एक स्मॉलर साइज के ऊपर अटैक करता है जब खाने का बहुत ही कम होता है, और इसी खाने की कमी के वजह से ये लोग एक अपने ही स्पेसिस के ऊपर अटैक करते हैं खाने के लिए। तो ऐसे बैटल में जो स्नेक्स होते हैं एक दूसरे को विंड पाइप को चोक करने की कोशिश करते हैं। जो बिगर साइज होगा उसका मुंह बड़ा होगा, उसका बाइट और उसका बाइट पावर से क्या होता है, उसका विंड पाइप चोक हो जाता है, और जो पोटेंट न्यूरोटॉक्सिक वेनम जब इंजेक्ट होता है तो स्मॉलर साइज के होने की वजह से वो धीमा पड़ जाता है धीरे धीरे। ऐसे घंटों भर बैटल चलता रहता है, करीब एक घंटा डेढ़ घंटा। उसके बाद जाकर जो छोटा सांप रहता है वो मोशनलेस हो जाता है या फिर मर जाता है, और उसके बाद जाकर ये स्नेक आराम से कहीं पे बैठ के उसको पूरा निगलता है। पर ये प्रोसेस को मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करता अगर ये कोई जंगल में हो रहा हो, आसपास कोई इंसान वगैरह ना हो, लेकिन ये एक जन के घर के बैकयार्ड पे हो रहा था। तो मुझे जैसे भी करके इन दो सांप को वहाँ से निकालना था, कहीं पे जंगल में रिलीज करना था, इसलिए जल्दी से कोई टाइम वेस्ट ना कि मैं जल्दी से इसको इन दो सांप को कैसे रिलीज किया। आप लोग वीडियो आगे देखते रहिए, मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त एक सीन आपको देखने के लिए मिलेगा, आगे ही देखिए। और आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में किस सीन आपको सबसे ज़्यादा फ्यूरियस भयानक लगा इस वीडियो के दौरान। কোড়ে গলে মরছে ক্যামেরাম্যান আসুনি গেছে सो गाइस देखिए, जो छोटा स्नेक है वो टोटली मर गया है अभी, और ये अभी उस होल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है इसको खाने के लिए, लेकिन मुझे वहाँ पे इसको जाने नहीं देना है। द स्मॉल स्नेक इज डेड, वन स्पेक्टेकुलर दिस इज वन स्पेक्टेकुलर व्यू आई हैव एवर विटनेस्ड। Wow, look at that. वो उसको छोड़ने वाला भी नहीं है। Is my food. Leave it alone. Look, इसको छोड़ने वाला भी नहीं है। पहली बार दो स्पेक्टिकल कोबरा को ऐसे लड़ते हुए मैं देखा हूँ, पहली बार। अब ये इसका खाना है, इसको खाने में डिस्टर्बेंस होगा तो बहुत एग्रेसिव होगा। आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। ए बाबू तू खाली पादरे से पटे अच्छे रे बाबू देखि कि देखो तो गाइस चलो जल्दी से इसको पकड़ के बैग के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। इट इज दैट वन स्नेक इज डेड। ये नाटक करने देयर इट गोस। दिक्कत की बात यही था, जल्दी बैग लाओ। एक मर दे ली। नो 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 मैं ले मां को बैग भीतर बोल कर बैग कर। बोल कर बाड़ी आना, बाड़ी आना जल्दी। बट 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 मैं कोई दिन ना पत्थर देती बाड़ी से दियो बोली पत्थर देखी करो पत्थर किसी को डाण
पढ़नी तो चलो गाइस, इसका भी हालत बहुत खराब है। आओ किसी बैग अच्छी की डाउट ये बचने वाला है, मुझे तो लगा एक्चुअली मर ही गया। अगर नहीं पकड़ता तो एक कोने में लेके इसको खाता पूरा। अवस्था खोलू न।